हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे स्टॉकों पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि अभी तक अपने शेयर होल्डर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा बना कर दिया है। दोस्तों बात करें तो सारा स्टॉक हमें एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करते हुए देखने को मिल रहा है और एनर्जी सेक्टर ने पिछले 2 से 3 साल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने शेयर होल्डर को मुनाफा दिया है। तो दोस्तों वीडियो से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की रिगार्डिंग। इस स्टॉक ने अपने शेयर होल्डर को अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया है। अगर बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन का तो इसमें हमें 1% के आसपास का गिरावट देखने को मिल रहा है। पिछले 6 मंथ बात करेंगे तो यहाँ पे 4% का हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले 1 साल की बात करें तो पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने यहाँ पे 70% के आसपास का मुनाफा दिया है। और दोस्तों पिछले 5 ईयर में इस स्टॉक में जबरदस्त तरीके से यहाँ पे देख सकते हो 7200% से एबव का हमें मुनाफा का फिगर देखने को मिल रहा है। तो अपने शेयर होल्डर को जिस तरीके से इस स्टॉक ने मुनाफा दिया है दोस्तों, पिछले 2 से 3 साल में वाकई में यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें मुनाफा का फिगर देखने को मिल रहा है। सबसे अधिक दिन की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें मुनाफा का फिगर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और दोस्तों स्टॉक हमें यहाँ पे 2018 में लिस्टेड होते हुए देखने को मिल रहा है और वहाँ से अपने शेयर होल्डर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा बना के दिया है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इस स्टॉक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यहाँ पे हमें 3,47,000 करोड़ से एबव का फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि हम बात करेंगे इंडस्ट्री का पीरिश्यू का। तो यहाँ पे दोस्तों 17.18 देखने को मिल रहा है, जो कि इंडस्ट्री के पीरिश्यू से इस स्टॉक का पीरिश्यू यहाँ पे देख सकते हो हमें काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है। हालांकि हम बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी का, तो यहाँ पे 20% से एबव का फिगर है, जो कि फेस वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें 100 रुपये देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक दोस्तों अगर बात करें तो हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, हालांकि इसका पी रेशियो हमें यहाँ पे काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है। तो चलिए कुछ और स्टॉक के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, ये भी ये स्टॉक अपने शेयर होल्डर को अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया है। अगर बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन का तो यहाँ पे 1% के आसपास का हमें रैली देखने को मिल रहा है और फिलहाल जो इसका प्राइस है 145 के आसपास में हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले 6 मंथ की बात करेंगे तो यहाँ पे 20% से एबव का गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि दोस्तों पिछले 1 साल की बात करेंगे तो पिछले 1 साल में इस स्टॉक में 46% से एबव का हमें गिरावट का फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि सबसे अधिक दिनों की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे अधिक दिनों में इस स्टॉक में 180% के आसपास का मुनाफा देखने को मिल रहा है, जो कि स्टॉक दोस्तों में 2017 में लिस्टेड होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये भी स्टॉक अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा है, आप लोग इस स्टॉक के ऊपर भी फोकस बना के रख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इस स्टॉक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यहाँ पे हमें 12,000 करोड़ से अबव का फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि बात करेंगे यहाँ पे इंडस्ट्री का पीरिश्यू का तो यहाँ पे 20 के अप्रोक्स में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि इस स्टॉक का पीरिश्यू इंडस्ट्री के पीरिश्यू से हमें यहाँ पे काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी का, तो यहाँ पे 50% से एबव का है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों यहाँ पे फेस वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें 1 रुपया देखने को मिल रहा है। तो ये भी स्टॉक अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप लोग इसके ऊपर भी फोकस बना के रख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो तीसरा जो स्टॉक है दीप एनर्जी, जो कि स्टॉक अपने शेयर होल्डर को काफ़ी अच्छा खासा अभी तक मुनाफा बना कर दिया है। अगर बात करें आज की ट्रेडिंग सेशन का दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हो आज की ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में 4% से एबव का हमें रैली देखने को मिला है, जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे पिछली 1 मंथ के इसका प्राइस का ग्राफ का, तो यहाँ पे 1% के आसपास का मुनाफा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले 6 मंथ में इस स्टॉक में 80% का हमें यहाँ पे मुनाफा का फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करें पिछले 1 साल का इसका प्राइस का ग्राफ का, तो पिछले 1 साल में इस स्टॉक में 200% से एबव का मुनाफा दिया है, जो कि आप लोग के सामने में सबसे अधिक दिन की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 100% से एबव का हमें मुनाफा का
फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करें तो स्टॉक हमें यहाँ पे पिछले यानी कि स्टॉक हमें 2020 में लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल रहा है और वहाँ से अपने शेयर होल्डर को अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा बना के दिया है। तो चलिए इस स्टॉक से हम कुछ और इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जो इस स्टॉक का मार्केट है कैपिटलाइजेशन है यहाँ पे ओनली हमें 400 करोड़ के आसपास का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। जो कि बात करें इसका इनकी इस स्टॉक का पीसीयू का यहाँ पे 6 के अप्रोक्स में देखने को मिल रहा है जो कि इंडस्ट्री के पीसीयू यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ है। हालांकि हम बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी का तो यहाँ पे 6% से एबव का हमें देखने को मिल रहा है जो कि इस स्टॉक का फेस वैल्यू यहाँ पे हमें 10 रुपये देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा रिस्की देखने को मिल रहा है लेकिन इस स्टॉक में रिस्क से ज़्यादा रिवार्ड हमें देखने को मिल रहा है। अगर जो भी रिस्क उठाना चाहता है तो इस स्टॉक में खरीदारी कर सकता है क्योंकि फ्यूचर में जो इसका प्राइस है यहाँ से हमें काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों वेरी स्मॉल कैप स्टॉक है यहाँ पे देख सकते हो जिसकी वजह से इस स्टॉक में हमें काफ़ी रिस्क हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों जितना रिस्क है उससे ज़्यादा इसके अंदर हमें रिवार्ड देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करेंगे अगर हम लोग रिस्क उठाना चाहे तो यहाँ पे दीप एनर्जी में काफ़ी हमें रिवार्ड देखने को मिल रहा है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो अडानी ग्रीन हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है तो आप लोग अडानी ग्रीन के ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। दूसरा जो है दोस्तों यहाँ पे इंडियन एनर्जी भी अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अभी तक अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा मुनाफा बनाकर दिया है और फ्यूचर के लिए स्टॉक हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है। और दोस्तों तीसरा जो है दीप एनर्जी में हमें थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हालांकि रिस्क से ज़्यादा उसके अंदर रिवार्ड भी है जो कि अभी तक अपने शेयर होल्डर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पे अडानी ग्रीन देखने को मिल रहा है और दूसरा जो है यहाँ पे इंडियन एनर्जी और तीसरा जो है यहाँ पे दोस्तों दीप एनर्जी जो कि थोड़ा सा हमें वहाँ पे रिस्क अधिक हमें देखने को मिल रहा है। तो आप लोग चाहो तो इस स्टॉक के ऊपर रिसर्च करके देख सकते हो।